और यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं बहुत ही फेमस मंदिर, तो आज हमारा सेकेंड डे है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं चांदेश्वर टेम्पल, जहाँ शिव जी का मंदिर है ये, और बस दर्शन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या बनता है अभी पता नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर अच्छे से। अगर आप यहाँ घूमने नहीं आए हैं तो आज के ब्लॉग के साथ आप हमारे साथ घूम सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यह मंदिर शिव जी को समर्पित है और यह दिघा के धार्मिक स्थलों में से एक है। दिघा से इसकी दूरी 6 से 8 किलोमीटर की है। अभी प्रणाम करेगी, छुएगी नहीं। हाँ, पता हमको याद है कि शिव जी के मंदिर में आए हैं, बट दूर से ही हमें दर्शन करना है, नहीं पूजा करेंगे, तो दूर से ही दर्शन करेंगे। और यहाँ पीछे ना ढेर सारे बंदर है, यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम है। यहाँ पर मतलब कुछ ही लोग आए हैं जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं गंगा जल है शायद, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ के बारे में, जान डिटेल पता नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर रहने वाले लोगों से हमें बातचीत के दौरान पता चला, यहाँ पर शिव जी सुबह के समय पर स्नान करने आते हैं और इस टाइम पे मंदिर में कम भीड़ थी, लेकिन उड़िया के कैलेंडर की पहली तारीख को इस मंदिर में वार्षिक मेला लगाया जाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और साथ ही साथ हमें ये पता चला कि अगर आपको कोई मन्नत मांगना हो तो यहाँ पर आप मांग सकते हैं, जो कि शिव जी जल्दी पूरी करते हैं। तो इस मंदिर में आकर हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, शांति से हमने यहां पर दर्शन किए हैं। दर्शन हमारे हो गए ना मम्मी? हाँ हो गए, अच्छे से। हाँ बट सब जगह का मंदिर अलग अलग होता है, मतलब यहाँ बहुत फेमस है बट भीड़ बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। So, और पास में यहाँ पे मतलब मंदिर के पास में ही और बहुत सारे शॉप है जहाँ पे आप पूजा का सामान और भी बहुत कुछ खिलौना वगैरह बच्चे के लिए ले सकते हैं। और अभी हम लोग आए हैं इडली खाने के लिए, तो एक्चुअली मेरे भैया पहले यहाँ पे घूम चुके हैं तो उन्होंने ही सारा जगह सजेस्ट किया है। तो यहाँ पर फेमस इडली मिलता है, ठेले पर लगता है, मतलब ठेले पर क्या मतलब छोटा सा स्टॉल लगा है जहाँ इडली डोसा सांभर वड़ा और भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो अभी हम लोग वही खाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहीं घूमने के लिए निकलेंगे फिर। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है लैंग्वेज का यहाँ पे, अगर आप कुछ पूछो तो हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ना हम समझा पाते ना वो समझ पाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा दिख रहा है ना? क्या है? बड़ा ये सांभर की जगह पे ना छोला, अच्छा है ना? अच्छा लग रहा, मजा आया खाने में, बहुत अच्छा टेस्टी था। कल से लग रहा था ना कुछ मिला नहीं है ना, लग रहा था कि हाँ मिल ही नहीं रहा है, तो लेकिन आज मन खुश कर रहा। हाँ बहुत अच्छा लगा, 20 रुपया प्लेट इडली था, 20 रुपया प्लेट सांभर बड़ा था और 25 रुपया प्लेट डोसा था, मतलब मन खुश हो गया है एकदम, कहते हैं ना खा करके एकदम भूख भी मिट जाना और मन में भी खुशी होना, वो वाला बात हो गया है। बहुत अच्छा लगा खा करके और सस्ता का सस्ता भी था, मतलब अगर आप चीप एंड बेस्ट कुछ देख रहे हैं तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। बनी तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा बोलो। हाँ हाँ दो बनी को, बनी को अच्छा लगा है इसलिए वो कह रहा है दो। आपको कैसा लगा? अच्छा था, अच्छा था ना। सो गाइज, नाश्ता करने के बाद इडली बड़ा वगैरह खाने के बाद फिर अभी हम लोग आए हैं 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मंदिर है, बुधेश्वर करके मंदिर है,
और यहाँ का कहा जा रहा है कि मंदिर का जो शिवलिंग है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि ये मंदिर आप घूम सकते हो, मैप पे भी है, लेकिन मतलब गूगल मैप के चक्कर में ना हम लोग रास्ता इधर उधर कर वॉक करके आए हैं, फिर लास्ट में लोकल यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग पूछ करके ये मंदिर आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, मंदिर बहुत छोटा सा है लेकिन शिवलिंग काफ़ी बड़ा है, तो मैं दिखाती हूँ। तो इतनी दूर चलने के बाद ना हम लोग ये मंदिर आए दर्शन करने, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, साथ ही साथ मन्नत मांगते हुए यहाँ पे चुंडी में गांठ इस तरह से बांधते हैं। तो यहाँ पर आकर दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। बहुत मजा है, बहुत खोजते खोजते यहाँ पहुँचे। कितने सारे नंदी बाबा हैं यहाँ पर, नंदी बाबा है। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको भी हमारे साथ दर्शन करके अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर